हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में आपकी दुआओं के साथ। तो जनाब, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मजे का, बहुत ही फनी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुजाना की अनबॉक्सिंग, वैक्यूम की अनबॉक्सिंग, जो उसने फनी तरीके से की और वो मैंने बिल्कुल भी कट डाउन नहीं किया उसको, बिल्कुल उसको मैंने एडिट नहीं किया। जैसे उसने किया वैसे ही मैं रॉ आपके साथ शेयर करूंगी। और जिस तरीके से मैं उसको, जब मैं वीडियो को देख रही थी मुझे हंसी आ रही थी, आई होप कि आप लोगों के चेहरे पर भी स्माइल आएगी क्योंकि इतना फनी तरीके से उसने सब कुछ किया। तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे किचन में और बनाएंगे डिनर, और डिनर में मेरी हेल्प करेगी जिब्राइल। छोटी सी हेल्प है लेकिन बहुत मजा आया, बहुत फन आया उसके साथ कुकिंग करने में। तो मैंने कहा जो आपके साथ फैमिली टाइप की मैं वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें मेरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी होगी और मेरी भी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगर आप लोग रेडी हैं मेरे व्लॉग के लिए तो हम कोई आगे वेट नहीं करते हैं, लेट्स गो टुगेदर एंड हम अपना व्लॉग एंजॉय करते हैं। लेट्स गो देन। क्यों मैं एक वीडियो देख है पोस्ट 10 है, मैं हाई स्कूल द बेचना एवे कंपनी को ईमेल करके आप पर मैं बड़ा बड़ा फैन है, बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर दा एंड देख ना, इट वुड बी अमेजिंग इफ यू कुड सेंड मी समथिंग, है ना? उसको फोन कर ले, ओ कूपन शर्ट हर से पिछले 2 दिन तो मैं चालू ये कंपनी को ईमेल कर मैं वीडियो इन दी लगानी है तो ज्यादा मेरे H&M तुम मेरे मेरे पेप्सी तुम मेरे पेप्सी ओ जवाब ना की दिखता है पकड़ो पकड़ो बेटा, मैं वीडियो ना बन ए पकड़ो। किथे लगना सारे पैसे बच गए, तेन शिवर नहीं लेके देना पोना। कोई 4 इयर्स पहले नहीं लिया वैसे आपस ही कर ले, तकरीबन महीना तो हो गया। हर चीज बेटा नहीं लगनी नहीं हर चीज जाना दे बाबा, इंस्ट्रक्शन तू है नहीं कहा लगांदा कि तेरे चीजा बेबी ना क्यों तू जाना कितने लगाई हैं तू सारी चीजा ओ निकलती नहीं पई हां ये तो जाना ने फिक्स की थी दे जाना हां जी दसो। ओह यू आर रॉकिंग द हैट टू यू लुक। तो जाना आर यू श्योर के इथे लगना है? मैं तक की मैं यूज किवे करना है नु वैक्यूम नु।
अच्छा सारी चीजें मैं हाथे पकड़ लूंगा उस वक्त हूँ किताब पूरा असेंबल एक्चुअली वाकई तो जाना दे बाबा बस ऐसी में चीजें लगाई हैं स्टूडेंट एग्जाम के बाद आके किताब पढ़ ओ अम्मा देखो व्हाट कितना अच्छा है ब्रो व्हाट एंज भी कर सकते हो ले जाना ये तेरी रिजल्ट एलिटी का मार्क्स रिपोर्ट कार्ड आ गया तू कर देना मेरी जगह पे वैसे इतना गंदी बुकलेट बनाई ने कोई चीज क्लियर ही कोई नहीं मैं देखी सी यू क्लिक 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 की कर दे पे ना तू तू है के ना अम्मा दे नाल ते शार्ट नु ना एक ईमेल पोस्ट करो की आखी उना नु उन दसो क्या सही नहीं तुसी फ्रेंड यू गाइस इट्स सच अ हॉरिबल जॉब विद दीस इंस्ट्रक्शंस वी नीड क्लियरर वंस जाना फिर कर दे जाना मैंने भी खा तो सही ना ओच तो ये स्टिक क्यों बाहर निकाल देती है लगा इन अंदर He's a Ghostbusters guy now. वैसे स्टिक को ज़्यादा लंबी नहीं वैसे वाकई है केड़ी चीज ते केस वास्ते लेकिन ये चीजा तो थोड़े जिले तुसी पैर नु प्रेस कर सो तो सारी थले आ जा सन चीजा देखिए ना ए वैक्यूम गया ओ इट्स डेड ऑलरेडी दजाना जाना भाई स्टॉप ए जरा देख लो साडे घर वे काम जदन नी चीजा दजाना दे हाथ में चाहिए तैयार है अम्मा वैसे इन में साइड पे रख देनी है दजाना ए तो कौन कर रहा है भाई मेकिंग द वैक्यूम वॉबल दजाना अल्लाह करे आज दिन में ता ऑन क्यों है उन्हें ऑफ से कर दूं और रेड वाला रेड हाँ जी चल दो क्यों है कि जिले तो सी बेस तो बगैर यूज करना है Jibrail, what are you doing, baby? I'm mashing potatoes. Ki banaunga aise potatoes na? We're gonna make tikki. Ki cheese? Tikki. Tikki? Hmm. I'm excited. Acha, maza thi bandi. Yeah. Acha. Hard push karna unnu. Bottom tak leke jana honda hai. Hmm. Like this. Yeah. Wow. Acha tarike na mash karna, theek hai? It has like a big mark in it. Hmm. Wow. टिक्की दे नाल तू गी और ग्रीन चटनी खानी है या के तू तो बर्गर पे दे मन खवाओ की खाना आई डोंट नो इफ आई लाइक द टिक्की विद द चटनी देन आई विल टेक द टिक्की बट इफ एंड आई ऑलरेडी नो हाउ द बर्गर टेस्ट सो व्हाटएवर वन आई लाइक सो पहले तू ट्राई करना टिक्की देन या अच्छा भाई ये है मेरी छोटी सी हेल्प आज हम बना रहे हैं टिक्कियां और ये कर रही है पोटैटो मैश और अभी बस मुझे निकालना है बाकी का सामान ताकि टिक्कियों की तैयारी हो जाए जिब्राइल तू बना ले बेटा What? तू पोटैटो मैश कर लेना अच्छे तरीके no, ध्यान कर तो जनाब अभी मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन चिली और पुदीने वाली चटनी आपको पता है वो हमारे घर में बड़े शौक से खाई जाती है और जिब्राइल ने मुझे स्पेशल भेजा है सब्ज मिर्चे लेने के लिए और ये हमें मिलती है देसी स्टोर से इतनी दूर से मैं लेके आई हूँ लेकिन अच्छी मज़ेदार चटनी बनाने वाली हूँ मैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है अगर आप देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं पुदीना और सब्ज़ धनियों की चटनी तो जनाब आज खाने को देर हो चुकी है 7:15 बज चुके हैं नॉर्मली हम लोग इतना लेट नहीं करते हैं लेकिन चूंकि अभी छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों में सब चीज़ें ही हम लोग उलट पुलट कर रहे हैं देर से जल्दी और सारा काम ऐसे ही हो रहा है अभी मुझे इसको वॉश करना है अच्छे से
अभी अभी कैमरा गया था. सो ये है जो पुदीना फ्रीज किया हुआ है मैंने थोड़ा सा वो, और बाकी अभी हम डालेंगे इसमें से बस धनिया जो कि है इसके अंदर. करेले भी लेके आई हूँ, मुझे करेले बनाना है क्योंकि करेले अदरवाइज आपको पता है ख़राब हो जाते हैं जल्दी. तो करेले इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर मुझे वो भी बनाने हैं, लेकिन उसका काम ज़्यादा है इसलिए थोड़ा मैं रोज़ सोचती हूँ कल बनाऊँगी. तो देखिए आप किस दिन बनते हैं, आज कल किसी एक दिन मुझे करेले भी बनाने हैं. चल बस कर दी भाई, हो गए डन हो गए. चलाना जी ये भी डाल दिया इसमें. ये दोनों चीजें जा रही हैं जो फ्रिज के अंदर. एक दफा ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में इसको धो के बाद में ऐसे रख दूंगी. ये मैं सारी चीजें साथ साथ साफ भी कर देती हूँ ताकि कुछ भी मेस वगैरह इधर ना रह जाए. चलें जी सॉल्ट और इसमें जाए. बेटा चटनी है ना, चटनी में सॉल्ट जाता है ना. ब्लैक पेपर. यू नेवर मेड इट. वेल आई थॉट दैट चटनी वाज स्पाइसी नॉट सॉल्टी. चलें जी ये हो गया ग्राइंड. अभी मैं योगर्ट लेके आती हूँ, योगर्ट में हम फ्राई करेंगे और फिर टिक्कियों के मसाले की तरफ जाते हैं. तो जनाब चीज़ें साथ साथ बन रही हैं, योगर्ट में मैं ऐड करने लगी हूँ जो स्पाइसेस मैंने बनाए हैं चटनी के लिए. आई डोंट नो इसको कितनी योगर्ट चाहिए ज़्यादा. एक्चुअली ये जिब्राइल को तो हर चीज़ के साथ योगर्ट अच्छी लगती है, तो ये हैं जिब्राइल. एम आई राइट? या आई लाइक योगर्ट. तो ये जी इस चटनी को कहती है लाइट ग्रीन. ये नहीं कहती कि मुझे रायता चाहिए. Now you call it chutney? Yes. Yeah, then it's good. अच्छा जी ब्रेड इन्हें उतरा दे गार्बेज देखो. आज हमारा गार्बेज डे भी था तो भी मैं गार्बेज बाहर रख के आई हूँ क्योंकि दुजाना को नहीं भेजा क्योंकि मैं कॉफ़ी पीने गई थी. तो जब मैं कॉफ़ी पी के आई हूँ तो साथ ही मैंने गार्बेज भी रख दिया. मुझे बोल रहा था दुजाना कि मैं रख दूंगा, मैंने कहा नहीं मैं रख देती हूँ. ये बिल्कुल पालक जैसी लग रही है इसने. आई मुझे लगता है फर्स्ट टाइम देख रही है ये कि हम लोग चटनी बनाते कैसे हैं. फर्स्ट टाइम है ना जब रहे थे. Is it your first time today? Yes, because most of the time I just sit upstairs and watch some videos. Oh yeah. भाई आजकल हमारी छुट्टियां चल रही हैं, रात को देर तक ही लोग जाते हैं, काफी काफी देर तक जाते हैं और फिर देर से सोते हैं और फिर सुबह भी देर से उठ रहे हैं. तो सारी रूटीन ही इन लोगों ने अपनी खराब की हुई है. तो ये लेंगे जिब्राइल. टेस्ट करनी है चटनी के नहीं? ओके डन ठीक है. इनो फिर नहीं इट्स ओके जा पुट इट ऑन द टेबल. चलें जी अभी इसको साथ साथ सफाई भी हो रही है. हाँ जी ठीक है. अभी हम बनाने वाले हैं जी टिक्कियों का मसाला. तो टिक्कियों के लिए हमने ले लिए हैं जी आलू. आलू मैंने ले लिए थे तकरीबन ये आप कह लें कि इस साइज के आलू ना, छोटे छोटे साइज के आलू तकरीबन 10-12 आलू थे. आप कह लें कि मे बी हाफ अ केजी से ज्यादा होंगे या केजी. उसमें मैं डाल रही हूँ, मैंने ज़्यादा सारा डाल दिया. सिलेंटर काट के मैंने पहले रख लिया था. अभी मैं उसमें ऐड कर रही हूँ जनाब सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा जी गार्लिक पाउडर. और अब इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें और ऐड करनी है. एक हमने इसमें ऐड करना है जनाब चिली फ्लेक्स और दूसरा हमने ऐड करना है इसमें बेसन. सूखा बेसन हम इसमें ऐड करेंगे. मोस्टली मैं क्या करती हूँ बेसन को मैं भून लेती हूँ. भुना हुआ बेसन ज्यादा अच्छा करता है टेस्ट. लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, 7:15 बज चुके हैं ऑलरेडी. मैं जाके लेके आती हूँ, मैं कच्चा बेसन इसमें ऐड करूंगी, फिर आपको मैं दिखाती भी हूँ कि मैं कैसे ऐड करूंगी. साइड पे जाना भाई तुम्हें बर्थडे आनी है ना. तो जनाब इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी है. तो चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब मुझे इसको ऐड करना है बेसन को बाद में, लेकिन पहले मैं अपने हाथ की मदद से इसको कर लूंगी अच्छे से मिक्स. ग्लव नहीं पहन रही क्योंकि जो ग्लव्स मेरे पास पड़े हैं वो बड़े हैं, वो बाहर नहीं लटक आते हैं. मैं जैसे उसको यूज करती हूँ ना, मैं ये सारे काम
ग्लव्स के बगैर नहीं करती, लेकिन आज मजबूरी है जब तक मैं अपने साइज के नहीं लेके आती। हालांकि मैंने जो लिए थे वन साइज फिट वाले मैंने लिए हैं वो ग्लव्स, लेकिन आई डोंट नो वो इतने बड़े क्यों हैं, पता नहीं वो मर्दाना ना हो वन साइज फिट वाले, वो मर्दों के लिए हो कि उनके लार्ज स्मॉल जो भी हैंड का साइज है, तो मुझे तो वो पूरे नहीं आ रहे वो मुझे लेके आने हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें क्योंकि आपको पता है ये सारा कुछ पका हुआ, अगर आप चाहें तो अपना नमक मिर्च जो चीज आपने इसमें चेक करनी है वो आप चेक भी कर सकते हैं। मुझे इसमें से थोड़ा सा आलू मुझे निकालने हैं साइड पे, वो क्योंकि मुझे बनाना है आलू का पराठा, उसमें मैं सिर्फ अनियन ऐड करूंगी और फिर मेरा आलू का पराठा बन जाएगा, बाकी में मैं बेसन ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगी जी टिक्कियों का मसाला बन जाएगा। तो जनाब चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बेसन कैसे ऐड करने वाली हूँ इसमें। तो जनाब मिक्स मैंने कर लिया, तो इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मसाला है इस केंद्र कंटेनर में मैं रख लूंगी ताकि मुझे इससे बनाना है आलू का पराठा। No, not all of that. Just a bit. I thought you're gonna put all of it in. मैं इंतजाना भाई ऐसी दो में खासे आलू दो पराठा। Oh. I think ये enough होगा दो पराठों के लिए, तो इतना नहीं ज्यादा ही है वैसे, इतना भी क्या बना के रखना। चलें जी, क्योंकि टिकिया का मसाला छह दिन भी अगर मैं फ्रिज में रखूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ के उबले हुए आलू पानी कम छोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनके हाथ के उबले आलू से पानी छूट जाता है, लाइक वो ढीले हो जाते हैं, लेकिन मैं तो चार पांच दिन भी उबले हुए आलू अगर फ्रिज में रखती हूँ तो खराब नहीं होते हैं। तो ये देखिए तीन से चार चम्मच मैं डाल दूंगी, मैंने चार डाले तीन डाले आई डोंट नो। तो बस आपने एक बेसन डालना है, और बेसन को इसकी टिप है अगर आप इसको भून के डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर टाइम नहीं है तो कच्चा बेसन भी आप डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको ऐड करना है, ऐसे मिक्स करते जाएं मिक्स करते जाएं मिक्स करते जाएं, और बस आपका मसाला हो जाएगा रेडी। उसके बाद हम एक पैन में, मैं फ्राइंग पैन आई लूंगी जिसमें मैंने इसको फ्राई करना है, मैंने कढ़ाई में इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि कढ़ाई में ऑलरेडी मेरे पास ऑयल है जो कि है वो वाला उसे क्या बोलते हैं बर्गर्स वाला, तो वो नहीं करूंगी मैं यूज इसके लिए मैं सेपरेट नया ऑयल डालूंगी। मुझे थोड़ा सा बेसन कम लगा तो मैंने एक चम्मच और ऐड कर दिया। तो ये सारी चीजें आपके अंदाजे के हैं जी, पुत्र की गल है। टिकियां बेटा टिकियां बहुत दिन हो गए। हाँ जी नहीं अवतार बेटा, अवतार तो बाद ही बनाए। चले जी ये हो गया है जी मसाला रेडी, जिब्राइल रेडी हो गया मसाला हमारा। चले अब मैं करती हूँ अपने हाथ वॉश, फिर आपको दिखाती हूँ जब मैं इसको बनाती हूँ। तो आप ये देखें ये हो चुका है कि हमारे आलूओं की टिक्कियों का मसाला रेडी, ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए, फ्राइंग पैन में डीप फ्राई करेंगे और साथ एक प्लेट रख लिया जिसमें हमने उनको फ्राई कर करके निकालना है। तो ये बहुत ही मज़े की टिक्कियां बनती हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देख लें किसी ने आगे ऐसे भी बताया बहुत अच्छी टिक्कियां बनी है क्योंकि वो लोग ट्राई कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जनाब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपने दुआओं में याद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक सेकेंड लगता है बस आपने उसके बटन को प्रेस करना है, और उसके साथ एक है जी बेल आइकॉन का बटन, उसको प्रेस कर देंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन जो मेरी वीडियोस जिस वक्त में उसको अपलोड करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, आप झटपट में उस वीडियो को देखेंगे और इंजॉय करेंगे। चलें जी रखें अपना ख्याल, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।